नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों, सितंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर का पार्ट वन आ चुका है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सितंबर 2022 में 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सबको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन डिटेल भी रहेगी और इमेज भी रहेगी, साथ में आर्टिकल्स भी रेफरेंस के लिए दिया रहेगा, ये सब तरीकों से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यकीन मानो दोस्त, जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे के सारे वीडियो देखते ही देखते आपके तैयार हो जाने वाले हैं। तो पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, ये पूरे महीने का निचोड़ मिलेगा सितंबर महीने का। ये पार्ट वन होगा, पार्ट टू में हम लोग 16 तारीख से लेकर के बाकी 30 सितंबर तक को कवर करेंगे, लेकिन वो वीडियो आएगी 30 सितंबर के बाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है एमजेटी एजुकेशन के द्वारा। आप हर एक महीने की ई बुक प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपको 100% कवरेज मिलेगा, आपको करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराई जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप सर्च करो और डाउनलोड करो, वहीं पर आपको पिछले 2 सालों की कोई सी भी ई बुक लेनी है तो आप पा जाओगे। मंथली करंट अफेयर की ई बुक सिर्फ 20 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहां से संपर्क करके पता कर सकते हो। पेट की ई बुक आई है, पेट का एग्जाम भी आने वाला है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना, इसको ले लेना ई बुक, अभी तो डिस्काउंट पर चल रहा है, मात्र 49 में आपको मिल जाएगा। 22 प्रैक्टिस सेट जिसमें 2 प्रीवियस ईयर के सेट हैं जो पिछली बार एग्जाम हुए थे, लेटेस्ट पैटर्न पर है। अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिए गए हैं तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। ओके, तो चलिए अब शुरू करेंगे। यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, हर महीने की पीडीएफ आपको यहीं पर भी मिल जाएगी फ्री में पीडीएफ, और क्विज भी आपको मंथली करंट अफेयर की यहीं पर मिलने वाली है, तो आप क्विज भी लगा सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है दोस्तों कृति सेनन ने। कृति सेनन ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं, और वहीं रणवीर सिंह दोस्तों ये बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए यहां पर आप आर्टिकल है, 67th फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर सिंह और कृति सेनन ये बेस्ट एक्टिंग ऑनर से नवाजे गए। इसके अलावा भी जो और पुरस्कार दिए गए, जैसे बेस्ट डायरेक्टर का खिताब विष्णुवर्धन को मिला शेरशाह मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में शेरशाह चुनी गई, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस में सरदार उधम चुनी गई, और प्लेबैक सिंगल में मेल में बी पारेख और फीमेल में आशीष कौर को चुना गया है, और वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुभाष घई को। क्लियर है ना? याद रखना किस मूवी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है ये भी पूछा जाता है। तो रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। इस्कॉन के द्वारा पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा और वर्ल्ड लार्जेस्ट ये टेम्पल होगा, वेस्ट बंगाल में बनेगा। ठीक है, तो इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके द्वारा ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर के रूप में भी काम करेगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की किस सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया गया है। भारतीय नौसेना दोस्तों पहले इस प्रकार के ध्वज का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब ये सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है इंडियन नेवी के फ्लैग से, और इंडियन नेवी को न्यू फ्लैग मिल गया है। यहां पर मैं आपको इमेज में भी शो करा दे रहा हूं। तो 2 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किए, साथ ही साथ INS विक्रांत भी सौंपे। INS विक्रांत के बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये जान लो कि ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया हुआ है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दोस्तों राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों 60 वर्ष तक की लिमिट, अपर लिमिट रखी गई है, 60 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसमें 6 गेम में विशेषता यहाँ पर रहेगा, 6 गेम विशेष तौर पर, जैसे जिसमें खो खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी, ये रहेगा। ठीक है, तो ये 6 गेम यहाँ पर खेले जाएंगे, 30 लाख ग्रामीण पंजीकरण यहाँ पर कराएंगे। राजस्थान सरकार ने अभी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी शुरू करे हुए हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पता होगा जो सेंटर गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था उसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, भारतीय रेलवे ने कहां के स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई? तो भारतीय रेलवे ने अभी मुंबई में, दोस्तों मुंबई के स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं। यहां पर देख लीजिए, मेघदूत वाटर फ्रॉम एयर, इसमें क्या होगा, बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है। इसके तहत दोस्तों वाटर जो है वो एयर से बनाया जाएगा, एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो भाप होती है, उससे ये वाटर बनाएगा और उस वाटर को रेलवे में, जो रेलवे स्टेशनों पर जो यात्री होते हैं उनके ये काम में आएगा। ठीक है, तो वाटर फ्रॉम एयर है दिस सिक्स रेलवे स्टेशन इन मुंबई, मुंबई के 6 रेलवे स्टेशनों पर ये ऑपरेशन मेघदूत के तहत चलाया गया है। सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। इसके लिए मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है 5 साल के लिए। अगला, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका पहला संस्करण दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। यहाँ पर आप देख पाओगे बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजर था द प्राइड ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड हेल्थ समिट इन दुबई, दुबई में ये आयोजित किया गया वर्ल्ड हेल्थ समिट। ठीक है, 29 अगस्त 2022 को। इस बार की थीम थी डिसीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान इंपॉर्टेंट, लिख लो यहीं पर, महान इंपॉर्टेंट। ठीक है, नुआखाई त्योहार बहुत पूछा जाता है, ओडिशा में दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। मच अवेटेड नुआखाई फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा बींग सेलिब्रेटेड टूडे, तो ये आर्टिकल है 1 सितंबर का। तो पश्चिमी ओडिशा में खासकर मनाया जाता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोग भी मनाते हैं क्योंकि अब जा करके सीमाएं अलग हुई है ना, वहाँ के लोग तो कल्चर तो वही है, कृषि पर्व है ये। ठीक है, फसल काटने से पहले लोग मनाते हैं। किस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा करी? तो दोस्तों रिलायंस का अभी एजीएम हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, और रिलायंस की एजीएम में ये बड़ी बड़ी घोषणा निकल करके आई कि वो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने जा रहा है। रिलायंस एजीएम में ही ये भी घोषणा हुई कि दोस्तों 2023 के एंड आते आते दोस्तों पूरे भारत में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी और कुछ चुनिंदा सिटीज में उससे पहले भी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। ओके, देखो मैं यहाँ पर आर्टिकल क्यों लिया करता हूँ, आर्टिकल लेने से आपके अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी अखबार से भी नहीं लिया जाता है, इंग्लिश अखबार से लिया जाता है और बड़े बड़े अखबार से लिया जाता है, तो यानी वो 100% ऑथेंटिक न्यूज है। दूसरी, जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में कॉन्टेंट चाहिए उनके लिए भी यहाँ पर कॉन्टेंट मिल जाता है, तो आप यहाँ पर 100% सही, शुद्ध और बिल्कुल ताजा ताजा निकला हुआ जानकारी पाओगे। गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जा रहा है, क्लियर है। अगला, कहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया? तो मैंने अभी आपको बताया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में इन्होंने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया है, एक्चुअली में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही इसे बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पर देखिए कमीशन किए हैं, 20,000 करोड़ मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है, 20,000 करोड़ के लागत से बनाया गया है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस है। ठीक है ना, भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य ऑलरेडी है अपने पास और एक ये बन गया है, एक और आ रहा है 2030 तक आएगा, हालांकि अभी टाइम लगेगा लेकिन वो 45% और ज्यादा बड़ा होगा। नाम क्या होगा उसका? आईएनएस विशाल, उसका भी नाम आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है, काफी ज्यादा हाइप मचा था, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कमीशन किया गया, इसको यानी शामिल किया गया। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध हटाया? देखिए फीफा ने, अभी मैं पिछले महीने में आपको बताया था, फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इस बार यह क्वेश्चन लेना भी जरूरी हो गया क्योंकि कुछ ही दिन बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। तो फीफा के द्वारा जब प्रतिबंध हटा दिया गया तो अंडर 17 का जो फुटबॉल का विमेंस का वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला था भारत, उसका रास्ता हो गया क्लियर, क्योंकि अब महासंघ से बैन हटा दिया गया है तो भारत मेजबानी करा सकता है, तो भारत में ही होने वाला है इस बार, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये, इसके लिए रास्ता खुल गया है, टू बी हेल्ड इन इंडिया, अब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत पहली बार वर्चुअल रियलिटी टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में आयोजित किस सैन्य अभ्यास में भारत के गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने हिस्सा लिया? दोस्तों रशिया में अभी वोस्तोक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसमें भारत, चाइना समेत बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं।
तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का मतलब होता है इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। अब इसमें रसिया भी शामिल है, मंगोलिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है, बहुत सारे देश इसमें शामिल है। तो ये वोस्तोक 2022 काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। कारण ये था कि इंडिया और चाइना मिलकर के किसी एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि दोनों एक प्रकार से कि एंटी कंट्री हैं, तो दोनों मिलकर के इसमें हिस्सा ले रही थी, तो इस वजह से ये हाइप क्रिएट हुआ था। इसमें और भी देश शामिल थे। वोस्तोक नाम था, 1 से 7 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ, और कहां पर आयोजित हुआ, ये रसिया में आयोजित हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। आगे 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई, ये कौन पाया है? तो दोस्तों 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये इस बार 4 व्यक्तियों को मिला है, एक सोथियारा छिम, तदासी हतोरी, गैरी बेंचेगी और बर्नाडेट मैड्रिड, ये चारों को दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एशिया का नोबेल कहलाता है, तो ये आप याद रखेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो यहां पर देख पाएंगे ये 4 को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें एक लेडी भी है, ओके, 64वां रमन मैग्सेसे अवार्ड जो होगा। और इसमें देखिए तादेशी हतोरी जो है ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, सोथियारा छिम जो है कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ, और बैरी बेनचेगी फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता, क्लियर है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति मैग्सेसे के नाम से, रमन मैग्सेसे के नाम से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनेंगे कल्याण चौबे। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर फीफा ने बैन लगा दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फीफा ने बैन हटा लिया, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ही अंडर 17 का विमेंस वर्ल्ड कप होगा, और ये इंडिया ही होस्ट करेगा अक्टूबर महीने में। तो यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, कल्याण चौबे जो है ये इलेक्टेड एज न्यू AIFF प्रेसिडेंट, ओके। आगे किस देश की में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों अभी रिसेंटली कनाडा में एक रोड का नाम AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है। AR रहमान आपको पता होगा भारत के लीजेंड सिंगर हैं, और इनके नाम पर ये एक सम्मान दिया गया है, एक रोड का नाम इनके नाम पर रखा गया है कनाडा में। AR रहमान की अचीवमेंट की अगर बात की करें तो इनको 6 नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, 1 BAFTA, 12 IFI अवार्ड, 1 बार गोल्डन ग्लोब और 2 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। बहुत ही फेमस सिंगर है। पद्मश्री से इनको 2000 में नवाजा गया था, और पद्म भूषण से सन 2010 में नवाजा गया। इसके अलावा कलाईमणि, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, अवध सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। कनाडा के मरकम शहर में इनके नाम पर एक रोड है। अगला, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कौन सा है? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश हुई इकोनॉमी को लेकर के, लार्जेस्ट इकोनॉमी को लेकर के। इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी तो एज यूजुअल अमेरिका ही बनी हुई है, अभी चाइना को थोड़ा सा टाइम लगेगा अमेरिका को पीछे करने में, चाइना सेकेंड पर है, लेकिन यहां पर इंडिया जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा मूवमेंट लेकर आया, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। तो यहां पर 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 रैंक आपके सामने लिखी गई है, और इसके बाद इंडिया जो है बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बीट्स UK टू स्टील स्पॉट, 5वां स्पॉट पाने के लिए UK को इसने पीछे किया हुआ है, ओके। अब आगे अभी मैं बताऊंगा कि भारत सरकार ने यह भी टारगेट रख दिया है कि 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, यानी जर्मनी और जापान को भी पीछे कर दे, ओके। तो फिलहाल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है इंडिया अभी। आगे, टाटा ग्रुप के किस पूर्व चेयरमैन का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? तो दोस्तों साइरस मिस्त्री अभी रिसेंटली ये कार एक्सीडेंट में मारे गए, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे थे, काफी ज्यादा विवादों में भी रहे थे एक टाइम पर, ठीक है। साइरस मिस्त्री, टाटा सन्स एक्स चेयरमैन, डाइज इन एक्सीडेंट नियर मुंबई, मुंबई के पास में एक मंदिर से ये दर्शन करके वापस आ रहे थे, और तो उसके बाद फिर इनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और फिर इनका निधन हो गया, ठीक है। तो उदयवाड़ा में बने पारसी मंदिर से ये लौट रहे थे, सूर्या नदी के पुल पे इनका निधन हुआ है। 2012 से 2016 के बीच में ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, अगर पॉइंट पूछा जाएगा तो यहां से जरूर पूछा जाएगा। अगला, भारत का पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालक लॉ स्कूल कौन बना? वो बन गया है दोस्तों IILMU ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में स्थित IILMU यूनिवर्सिटी जो है ये
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालक यानी नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला लॉ स्कूल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इज इंडियाज फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाए कि नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तो फर्स्ट स्टेट आप बताएंगे कर्नाटका। कौन? कर्नाटका। सेकंड स्टेट पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए प्री प्राइमरी स्कूल में, कौन से प्री प्राइमरी स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि हायर एजुकेशन में लॉन्च करने वाला पहला राज्य, तब आप बताएंगे गोवा। और अगर पूछा जाए लॉ स्कूल में, तो आप बताएंगे IILM यूनिवर्सिटी। क्लियर है ना? नई एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद 1986 के बाद ये 2020 में लॉन्च करी गई, और 2020 में लॉन्च हुई तो ये कौन सी वाली थी? तीसरी थी, आजाद भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। ओके, बाकी सारी चीजें यहां पर आपको दे दी गई है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा करी? तो जैसे दिल्ली में है नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे ही अब लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है कि लखनऊ में राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा, यानी SCR बनाया जाएगा। SCR बोले तो स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, और इसके तहत लखनऊ को थोड़ा सा और विस्तारित किया जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने सबके सामने ये ब्यौरा प्रस्तुत किया कि कैसे कैसे कि आगे क्या क्या डिटेलिंग रहेगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आपके सामने, डेवलप यूपी स्टेट कैपिटल रीजन ऑनलाइन ऑफ दिल्ली NCR। ठीक है, तो उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बारामंकी, कानपुर, इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी कि लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनके कुछ कुछ रीजन को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट तस्वीर खींची? तो नासा ने दोस्तों अभी फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट तस्वीर खींची हुई है। नासा, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। नासा ने अभी रिसेंटली फैंटम गैलेक्सी की कुछ इस प्रकार से तस्वीर खींची हुई है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसने खींचा हुआ है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और अभी कुछ ही महीनों पहले इसको नासा ने लॉन्च किया हुआ था, और इसकी ये अद्भुत तस्वीर आ गई है। अभी 32 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है ये स्थित है, और वहां से इसने लॉन्च करके भेजा हुआ है। नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, या कहें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये जारी की गई है। इसने बताया है M74 नाम की एक आकाशगंगा है जो मीन राशि के नक्षत्र में स्थित है। अगला, किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट, इनकी जयंती के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया करते हैं। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो पूरे इंडिया में टीचर्स के सम्मान में टीचर्स दिवस मनाया जाता है। ओके, और विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा अगले महीने में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 46 शिक्षकों को 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजी, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक पॉइंट है। अगला, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण दोस्तों लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नाइट स्काई अगर अभ्यारण पूछा जाए तब तो आप बताएंगे लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट सफारी कहां पर बनाई जाएगी, तब आप बताएंगे लखनऊ। ठीक है, कहां पर? लखनऊ। अगर नाइट सफारी, पहली नाइट सफारी अगर पूछी जाए, ठीक है ना, तो वो लखनऊ में बनाई जाएगी। ओके, तो ये नाइट स्काई सेंचुरी है लद्दाख में। तो यहां पर आप देख पाओगे इंडिया टुडे का आर्टिकल, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू कम अप इन लद्दाख बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। तो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स के द्वारा ये डेवलप कराया जाएगा। हाल ही में अमित शाह ने किस नाम से 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर लॉन्च किया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर दोस्तों मस्कट लॉन्च किया गया है सवज नाम से। किस नाम से? सवज नाम से लॉन्च किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस मस्कट एंड एंथम फॉर 36th नेशनल गेम इन अहमदाबाद। इतना तो कंफर्म हो गया 36वां नेशनल गेम कहां पर होगा, गुजरात में होगा। ठीक है, तो उसका मस्कट भी लॉन्च किया गया है। ओके, तो मस्कट है सवज, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। सावक मतलब शेर का बच्चा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी गान की थीम भी रखी गई है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में गुजरात में 6 शहरों में
आयोजित किया जाएगा 36वां राष्ट्रीय खेल, कई वर्षों के बाद होने जा रहा है। लोकसभा महासचिव का क्या नाम है जिन्हें संसद टीवी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव थे, अभी तक इनको संसद टीवी का एक्स्ट्रा चार्ज सौंप दिया गया है। अब ये संसद टीवी के भी होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी आपको पता होना चाहिए, संसद टीवी दोस्तों वही वाली है जिसको अभी लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज करके बनाया गया था, ठीक है ना। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी किया गया था, ठीक है। और अब उसके सीईओ कौन बना दिए गए? उत्पल कुमार सिंह, जो कि सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के भी। अगला, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को आवर ग्रेट नेशनल पार्क नामक डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार दिया गया है? तो बराक ओबामा। बराक ओबामा जो कि फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं, इन्होंने आवर ग्रेट नेशनल पार्क नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज दी हुई है और इसके लिए इनको एमी पुरस्कार मिल गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ठीक है। तो ये अवार्ड पाने वाले ये दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए हैं। इससे पहले भी एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कारनामा कर चुके हैं और अवार्ड जीत चुके हैं, एमी अवार्ड। तो 74वां अभी क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड अनाउंस किया गया, उसमें इन्हें मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ नरेटर की कैटेगरी में। आपको एक चीज और यहां से याद रखना है, बराक ओबामा ने दोस्तों अपनी एक बुक लिखी थी, वो बुक का क्या नाम है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। क्या? ए प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ए प्रॉमिस्ड लैंड। अगला, लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो लिज ट्रस दोस्तों बन गए हैं न्यू ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लिज ट्रस। इन्होंने ऋषि सुनक को हरा दिया है, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी, जाकर के एलिजाबेथ द्वितीय से मिली, 3 दिन बाद एलिजाबेथ द्वितीय चल बसी। एलिजाबेथ द्वितीय पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, एलिजाबेथ द सेकंड दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान 15 प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल देखी। ये ऐसी महारानी थी जिनके सामने सामने 15 प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए। तो फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपॉइंट की है लिज ट्रस को ब्रिटेन न्यू प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फिर ये चल बसी और आज यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इनका अंतिम संस्कार भी हो रहा है। अगर बात करें लेडीज प्राइम मिनिस्टर की ब्रिटेन में, तो थेरेसा में मार्गरेट थैचर के बाद ये यूके की तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है लिज ट्रस। ओके, आगे, पीएम श्री योजना किसने शुरू किया? इसको शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पीएम श्री योजना। यहां पर आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पीएम अनाउंस पीएम श्री स्कीम टू डेवलप 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। पीएम श्री स्कूल के तहत जो स्कूल हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा एक प्रकार से, ठीक है, जिससे वहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी बेहतर तरीके से लागू कराई जा सके और बेहतर शिक्षा स्कूलों में प्रोवाइड कराई जाए। तो 14,500 स्कूल ऐसे अभी चलाए ओपन किए जाएंगे। पीएम श्री का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होगा प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और प्राइम यहां पर मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, आगे, दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सेंट्रल विस्टा लॉन का भी अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया है। तो इस पर स्पीच देते हुए उन्होंने काफी कुछ बातें भी कही और किंग्स वे जो कि राजपथ के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन से ही चला आ रहा था, अब जो है इसका नाम बदल गया है, क्लियर। तो 8 सितंबर को इसका पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया इन्होंने। अगला, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किच्चा सुदीप को। किच्चा सुदीप एक कन्नड़ एक्टर हैं, यहां पर आप देख रहे हैं यही है किच्चा सुदीप, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू योजना। एक्चुअली में पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है कर्नाटक सरकार की योजना है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। इसके तहत क्या होता है कि कुल 11,000 रुपए का पेमेंट करके कोई भी गाय को गोद ले सकता है एक वर्ष के लिए, ठीक है, और एक वर्ष तक गाय की देखभाल करेगा। अगला, हाल ही में हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन बना? वो बन गया है भरतौल। उत्तर प्रदेश का भरतौल जो गांव है, यूपी का भरतौल गांव, ये पहला गांव बन गया है हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला, फिल्टर का पानी पहुंचाने वाला, ठीक है। तो यहां पर देख पाओगे रिपब्लिक वर्ल्ड का ये आर्टिकल है, भरतौल बिकम फर्स्ट विलेज इन यूपी टू प्रोवाइड आरओ वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड। तो 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं गांव में और गांव वाले खूब
भर भर के पानी ले जा रहे हैं। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ? सुब्रतो कप दोस्तों फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये नई दिल्ली में अभी शुरू हुआ है। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट काफी पुराना ये टूर्नामेंट होता है सुब्रतो कप, ठीक है। और तो 2 साल के बाद ये शुरू हो रहा है क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से शुरू नहीं हो पाया। 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। 61वां इसका संस्करण इस बार हो रहा है, ठीक है। वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। अगला, भारत ने कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा? भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देख पाएंगे आप आर्टिकल, इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2019। इसमें ये किसको किसको पीछे करेगा? इसमें ये जापान को पीछे करेगा और जर्मनी को पीछे करेगा, ठीक है ना, जापान और जर्मनी को। इंडिया चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे रहेगा। तो रिपोर्ट जारी किया है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ SBI के द्वारा। 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था रैंक 10वीं थी, आज 5वीं है, 2029 में तीसरी हो जाएगी, क्लियर है। 2027 में जर्मनी को सरपास कर देगा, 2029 तक जापान को भी पीछे कर देगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अगला क्वेश्चन, नालसा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? नालसा के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं दोस्तों कौन? DY चंद्रचूड़। ये दोस्तों आगे आने वाले टाइम पर आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देखते हुए मिलेंगे, ठीक है, यानी कि अगले भारत के CJI होंगे ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको अभी नालसा का नया चेयरमैन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा और द हिंदू का है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ठीक है। तो नालसा मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसके 31वें कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। यूयू ललित अभी वर्तमान में CJI हैं और इनके बाद जो है CJI जो होंगे, जो 50वें नंबर के CJI होंगे ना, वो DY चंद्रचूड़ ही होंगे, भारत के 50वें CJI। अभी यूयू ललित को 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है, FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो फरुखाबाद जेल जो कि यूपी में स्थित है, इसकी जेल को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है कि यहाँ पर जो खाना है, जो फूड क्वालिटी है, वो बेहतर मिल रही है, ठीक है। जेल का खाना एकदम मस्त मिल रहा है, सब जितने कैदी हैं सब मौज कर रहे हैं। तो ये रेटिंग दिया है FSSAI ने। कमेंट करके आप बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। चलो यहाँ पर तो लिख ही दिया है मैंने, आप लोग नकल कर ही लोगे, कोई बात नहीं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसी के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ईट राइट सर्टिफिकेट भी इसको दे दिया गया है 2024 तक, जो कि वैलिड होगा। अगला, अच्छा एक चीज और, प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, UP SSSC PET का दोस्तों एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। UP SSSC PET अगर आप अच्छा खासा स्कोर करोगे ना, तब भी आप कोई वैकेंसी में अपनी रैंक बना पाओगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था, कई सारे बच्चे मात खा गए थे। तो इस बार आपको गलती नहीं करनी है, इस बार कंपटीशन भी और ज्यादा होने वाला है, फॉर्म भी और ज्यादा फिलअप किए गए हैं। इस वजह से 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए गए हैं और 2 प्रीवियस ईयर का भी पेपर लाया गया है, जिससे आप पिछली बार क्या पूछा गया था किस लेवल का, ये भी आप देख सको। इसके अलावा भी लास्ट टाइम पर जो आपको पढ़ करके जाना होता है ना, लास्ट टाइम जो एग्जाम की स्ट्रेटेजीज होती है, जो आपको याद नहीं होता, याद करने वाली चीज होती है ना, जैसे प्राइवेट बैंक के उनके प्रमुख, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी स्थापना, उनके CM गवर्नर, ये सब। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, महारत्न कंपनियां, हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन क्या है, हुई जू में बहुत सारी चीजें आपको दी गई, उसको भी आप पढ़ पाओगे। ये ईबुक मात्र अभी के लिए लेने पर 49 में मिल रही है, तो इसको जाकर के लो, वरना प्राइसेस इसके जल्दी बढ़ने वाले हैं। और MGT ऐप पर ये मिल जाएगा, आपको सिंपली जाना है MGT ऐप पर जाकर ओपन करके बेस्ट ईबुक सेक्शन में, और वहां से आप ले सकते हो उसे। आगे, भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? ये आयोजन किया गया दोस्तों टोक्यो में। इंडिया और जापान के बीच में 2+2 वार्ता अभी ये रिसेंटली हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह जी और S.J. जी गए हुए थे। क्यों? क्योंकि ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं। तो 2+2 जो बायलेटरल होता है दोस्तों, उसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही जाते हैं दोनों देशों के, ठीक है। तो जापान के जैसे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आएंगे, वैसे भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आएंगे। 2+2 वार्ता भारत जापान के अलावा भारत अमेरिका के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत और रशिया के बीच में भी होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो अभी वाला जो हुआ वो हुआ भारत और जापान के बीच में। अगला, किस राज्य ने भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया? तो त्रिपुरा ने दोस्तों भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है।
त्रिपुरा ने। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज इन त्रिपुरा। बायो विलेज जो है कौन सा है, वो दसपारा गांव। त्रिपुरा का दसपारा गांव जो है एक जैव गांव विकसित किया गया है। ये दसपारा राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। अगला, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे 8 सितंबर को मनाया जाता है पढ़ने लिखने साक्षरता बढ़ाने और समाज में साक्षर होने के लिए। ये दिवस अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, 1966 में ही शुरू किया गया था। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहां पर आप देख पाओगे, पश्चिम बंगाल गेट बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड बाय ट्रेवल राइटर्स फोरम। तो इसको अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार भी दिया जाएगा 2023 में, लेकिन ये सब मिलेगा। बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट होगी, उसमें इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार और संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, ये दो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। ठीक है, अगला, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है, इस टाइम पर जो भी योजना लॉन्च हो और अगर उस योजना में इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का नाम आए, तो आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा वो योजना शुरू करी गई है। आप बिल्कुल 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 भी निश्चिंत होकर के ये लगा देंगे, आपका 100% सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाया हूँ अभी तक, तो वो सारे क्वेश्चन, चाहे 2021 के कोई सा भी हो, चाहे 2022 के क्यों ना कोई सा भी हो, जो भी योजनाएं आई हैं, जो भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से हैं, सब राजस्थान से हैं। ठीक है, तो भरोसा करके आप लगा देना तुक्का। चलो, तो राजस्थान गवर्नमेंट टू रोल आउट 100-day अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये सेम ऐसे नरेगा की तरह होगा, नरेगा की तरह। आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे, तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़ी बड़ी योजनाएं चली हुई थी, उसको राजस्थान सरकार फिर से शुरू कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में मैंने आपको बताया, खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया। इसके अलावा अभी मैंने राजस्थान में ही बताया था आपको, राजीव गांधी खेल ओलंपिक शुरू किया गया, ग्रामीण खेल ओलंपिक। ठीक है, इसके अलावा अभी यहाँ पर 100-day का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि नरेगा जो कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया था, उसी के टाइप का अब यहाँ पर राजस्थान में शुरू किया गया है, 100 दिनों का रोजगार गारंटी योजना होगा। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पर रखी गई है, 18 से 60 वर्ष के एज ग्रुप के लोग इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची की प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो पीएम मोदी ने दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली के इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको पता होगा कि एक टाइम पर इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति हटाई गई थी और उसको नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसी टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम की प्रतिमा वहां लगाई गई थी, लेकिन अब होलोग्राम की प्रतिमा हटा करके अब ओरिजिनल मूर्ति 28 फुट की लगा दी गई है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, और पीएम मोदी अनवील्स 28 फीट टाल स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। ये रहा आर्टिकल आपके रेफरेंस के लिए। तो 23 जनवरी को इंडिया गेट पर होलोग्राम लगाया गया था, नेताजी की जयंती होती है और इसी दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। अभी जेट ब्लैक ग्रेनाइट की ये बनाई मूर्ति है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ भी किया गया है। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आप वीडियो लाइक नहीं करते हो तभी मजा नहीं आता है, वीडियो लाइक कर दोगे तो हम भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। ये किस वर्ष ब्रिटेन की महारानी बनी थी। तो एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में महारानी बनी थी और इनके टाइम पर इनके सामने ब्रिटेन के 15 पीएम आए और गए, चेंज हुए, अपना कार्यकाल पूरा पक्कर करके गए, लेकिन महारानी इज महारानी। 15 पीएम बदले, मतलब किसी के सामने मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। ये 94 साल कुछ महीनों की होकर के ये मृत्यु को प्राप्त करी। अभी भी 15 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो महारानी ही है थी। ठीक है, अब तो राजा हो गए हैं, किंग्स चार्ल्स आ गए हैं, प्रिंस चार्ल्स को किंग्स बना दिया गया है। तो फिलहाल महारानी एलिजाबेथ 3 बार इस दौरान अपने कार्यकाल के टाइम पर भारत भी आई, लेकिन कोहिनूर हीरा नहीं लौटाई। कोई बात नहीं, अब हम लोग ले लेंगे। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन बताया जा रहा है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, 94 कुछ वर्ष की
उम्र में गई है। फिलहाल जो भी हो, लंदन ब्रिज हैज डाउन, मृत्यु की सूचना के लिए कोड वर्ड रखा गया था। अंतिम संस्कार के लिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज रखा गया था अगर ब्रिटेन में मृत्यु हुई तो, लेकिन अंतिम संस्कार अगर ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा जाएगा अगर स्कॉटलैंड में मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु स्कॉटलैंड में नहीं हुई, इस वजह से ऑपरेशन लंदन ब्रिज चलाया गया और 10 दिनों के बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया जैसा कि वहां की प्रथा होती है। तो वो 9 तारीख को गई थी और अब 19 तारीख को जाकर के इनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई है वहां पर। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो दोस्तों भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा करेक्ट, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल फॉर द रेफरेंस। अब यहां पर तेलंगाना के वारंगल शहर को और केरल के त्रिशूर और नीलांबूर शहर को शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। यूनेस्को की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है फ्रांस में। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। आगे, किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू करी? छाता वर्षा जल संचयन योजना, तो ओडिशा राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। छाता नाम से होगा, वर्षा के जल को संचय करने के लिए, स्टोर करने के लिए ये योजना होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ओडिशा कैबिनेट अप्रूव छाता स्कीम। ओके, अब देखो भूजल पर दबाव कम होगा, भूजल घटते स्तर में इसमें सुधार आएगा वगैरह वगैरह, 5 साल में इन्होंने टारगेट रखा है, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी, बस आपसे छाता योजना पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आ गया है 132वें स्थान पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है रैंकिंग। इसमें इंडिया 132वें स्थान पर है 191 कंट्री में। UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। पिछली बार अगर बात करें तो भारत 131वें स्थान पर था, लेकिन अब 132वें स्थान पर आ गया है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड। ठीक है, आगे, किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो बिहार में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। नीतीश कुमार जी जो कि वहां पर 8वीं बार CM बनकर के आए हुए हैं, तो ये इनॉग्रेट किए हैं रबर डैम। भारत का सबसे लंबा रबर डैम है फाल्गू, गया में ये है, और नाम क्या है? गयाजी बांध। ठीक है, फाल्गू नदी पर है। अगला, हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब किसने जीता? इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, आप सबको पता है, ओलंपिक में भारत को इकलौता एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाए हैं। तो ये पहली बार डायमंड लीग भी जीते हुए हैं, इनके नाम एक और रिकॉर्ड बन गया। देखिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग ट्रॉफी। 88.44 मीटर का थ्रो किया इन्होंने, दूसरे अटेम्प्ट पर सबसे हाईएस्ट रहा और फिर इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य में 2 और नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों टोटल अब 5 नए जिलों का उद्घाटन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले 3 नए जिलों का उद्घाटन किया गया था, फिर 2 और नए जिलों का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, छत्तीसगढ़ CM इनॉग्रेट 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, टेक्स टोटल 233, टोटल हो गए संख्या 33, यानी अब 33 होंगे जिले। ठीक है, 32वां और 33वां जिला कौन कौन सा? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, और अब 3 अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने इनॉग्रेट किया था। अगला, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में तनिकेला भरणी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देख पाएंगे, ये एक्टर तो आप पहचानते होंगे, साउथ मूवी आपने देखा होगा, तो इनको लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तनिकेला भरणी इनका नाम है, तेलुगु अभिनेता हैं, राइटर भी हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला, किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इसका निर्माण गुजरात में किया जाने वाला है। गुजरात में देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट इन गुजरात लोथल, गुजरात के लोथल में ये बनेगा। 3500 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आने वाला है। इस तरह का ये पहला केंद्र होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया? तो दोस्तों सिंगापुर में अभी भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख गए हुए थे सुनील लांबा जी,
इनको वहां पर मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे आप, सिंगापुर कॉन्फ्रेंस मेरिटोरियस सर्विस मेडल फॉर फार्मर नेवी चीफ सुनील लंबा। तो ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। इनको पिंगट जसा जेमलिन जिसे टंटेरा के नाम से जाना जाता है या हिंदी में कहें मेधावी सेवा पदक, इससे सम्मानित किया गया है। ओके, अभी नेपाल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया था, ये भी आप याद रखेंगे लिंक करके। एशिया क्रिकेट कप किसने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया क्रिकेट कप इस बार जीत लिया है किसने, श्रीलंका ने जीत लिया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया है एशिया क्रिकेट कप 2022। छठवीं बार एशिया का चैंपियन बना है श्रीलंका। वैसे भारत 7 बार जीत चुका है लेकिन श्रीलंका 6 बार का चैंपियन है एशिया कप में। पाकिस्तान को 23 रनों से इसने हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था ये, एक्चुअली में श्रीलंका में ही आयोजित होना था लेकिन श्रीलंका में क्योंकि क्राइसिस चल रही थी, वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, इस वजह से निर्णय लिया गया कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दुबई में कराया जाएगा। तो 6 बार एशिया कप जीता हुआ है श्रीलंका, पाकिस्तान 2 बार जीता हुआ है, भारत 7 बार जीता हुआ है। अगला यूएस ओपन, यूएस हो गया है, यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब इगा स्वेतक ने जीत लिया है। इगा स्वेतक का इस सीजन का दूसरा ये ग्रैंड स्लैम था। इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता इस साल का और अब यूएस ओपन भी जीत लिया है। टोटल बात करें तो इनके 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, इससे पहले भी 2020 में ये फ्रेंच ओपन जीत चुकी थी। तो 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली इगा स्वेतक हैं, नंबर 1 खिलाड़ी इस समय टेनिस की, ठीक है। इगा स्वेतक कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। इन्होंने ट्यूनेशिया की ओन्स जैगुआर को हराया। अब बात आती है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पुरुष एकल का खिताब दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है जो कि नॉर्वे के थे। 1881 में शुरुआत हुई यूएस ओपन की। यूएस ओपन दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा जाए तो विम्बलडन आप बताएंगे, 1877 में शुरुआत हुई थी। फिर 4 साल बाद यूएस ओपन की शुरुआत हुई, ठीक है। हार्ड कोर्ट के मैदान पर ये खेला जाता है, हार्ड या रबर कोर्ट के मैदान पर। नागा मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया गया, ये नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। पहली बार नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कोहिमा में एक सैहमा विलेज है, वहां पर ये बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। किंग चिली फेस्टिवल भी कहते हैं, नागा फिल्म नागा मिर्च महोत्सव भी कहते हैं। अच्छा, नागालैंड से GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद नागा मिर्च ही था, लेकिन नागा मिर्च महोत्सव याद रखिएगा पहली बार मनाया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च करी। तो गुजरात राज्य सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च करी। देखो गुजरात से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च किया है यानी सेमीकंडक्टर नीति, एक सिनेमा पर्यटन नीति यानी सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी जो है यहाँ पर देख पाएंगे ये जुबा केसरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च करी गई है, भूपेन्द्र नारायण भाई पटेल जी हैं और CM जो कि इसे लॉन्च किए। सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात ही है। किस देश ने धरती पर चांद स्थापित करने के लिए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाने की घोषणा करी। यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बना रहा है, ये UAE में बन रहा है, दुबई में। कुछ इस प्रकार से होगा, इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है आपको। तो मून शेप रिजॉर्ट होगा और इसके तहत आपको हर वो सुविधाएं मिलेंगी रिजॉर्ट वाली, साथ ही साथ में यहाँ पर स्पेस से भी जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जीरो ग्रेविटी वाली फीलिंग है, सारा कुछ मिलेगा। $5 बिलियन इस पर खर्च कर रहा है UAE। 735 फीट की होगी, 4 साल में बनकर ये तैयार होगा। अनुमान लगाया जा रहा है सालाना 25 लाख पर्यटक आएंगे यहाँ पर। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हरियाणा में भारत में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय देख पाओगे आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बी सेटअप इन हरियाणा आज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी विलेज में ये बनाया जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी भी आप याद रखेंगे, और राखीगढ़ी गाँव 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था, वहां पर अभी बनाया जाएगा। किबूथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। तो इनका नाम बदल करके अब दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा, किबूथू मिलिट्री गैरिसन। किबूथू मिलिट्री गैरिसन यहां पर आप देख पाओगे LAC में स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, रीनेम्ड आफ्टर CDS बिपिन रावत। CDS बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की किबूथू मिलिट्री गैरिसन है, वहां पर स्थित है,
और अब इसका नाम बदल दिया गया है। ओके, और किबूथु में ये कर्नल के रूप में भी काम कर चुके हैं। 11 गोरखा राइफल्स ने 5वीं बटालियन कमान संभाली थी जनरल रावत जी। आपको पता होगा दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार नामक सैन्याभ्यास किया? तो पर्वत प्रहार सैन्याभ्यास दोस्तों ये लद्दाख में हुआ, भारतीय सेना ने यहाँ पर किया अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखेंगे पर्वत प्रहार, ठीक है, एक्सरसाइज पर्वत प्रहार यहाँ पर देख पाओगे आप, ठीक है। और ये LAC के पास में हुआ, लद्दाख में हुआ। अगला, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ये स्थापित होगा हैदराबाद में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, या कहे कि वन विश्वविद्यालय, वन यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। ये दुनिया में दोस्तों रसिया और चाइना के बाद तीसरा देश भी बनेगा भारत जहां पर वानिकी विश्वविद्यालय होगा। देखिए, इंडिया इज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन तेलंगाना। तो अभी रूस और चीन के पास ही केवल ऐसे वानिकी विद्यालय हैं, अब भारत में भी होंगे। अगला, SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। बहुत इंपॉर्टेंट रही इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, SCO समिट आयोजित हुई है और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। वहां के रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात करी इन्होंने, ठीक है। तो ये आयोजित हुआ और मैंने आपको 9 सदस्य देशों की ट्रिक भी बताई हुई थी, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। कमेंट बॉक्स में क्या कोई इसको डिकोड कर सकता है क्या? 9 सदस्य देश हैं SCO के, ठीक है। झांग मिंग इसके अध्यक्ष हैं, 2001 में स्थापना हुई थी और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और समिट कब आयोजित हुई? 15 और 16 सितंबर। अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा कौन नियुक्त हुए? तो भारत के दोबारा से अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिए गए हैं, मुकुल रोहतगी। अब आप सोचोगे अभी तक तो ये नहीं थे, अभी तक तो आप सुन रहे थे KK वेणुगोपाल, तो आप कैसे बोल रहे हो दोबारा से? तो देखो सही बात है, आप बिल्कुल गलत नहीं सुन रहे हो। KK वेणुगोपाल अभी तक तो थे, लेकिन KK वेणुगोपाल से पहले थे मुकुल रोहतगी और उनको अभी फिर से नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। 2017 में जब पद छोड़े थे तो उसके बाद से अभी दोबारा नियुक्त कर दिए गए हैं, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ठीक है, रीअपॉइंटेड किए गए हैं। ओके, तो 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद वेणुगोपाल ने संभाला था, अब उसके बाद फिर से मुकुल रोहतगी आ गए। किंग चार्ल्स ने किसे प्रिंस ऑफ वेल्स चुना है? तो किंग चार्ल्स दोस्तों अब प्रिंस चार्ल्स से किंग चार्ल्स बने और ये अपने बड़े बेटे को, जो कि कौन है, प्रिंस विलियम्स, इनको प्रिंस ऑफ वेल्स चुन लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द गार्जियन का आर्टिकल है, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स विलियम एंड कैथरीन कार्व देयर ओन फ्यूचर। तो अब ये कैथरीन है, ये प्रिंसेस वहां पर चुनी गई है और प्रिंस चार्ल्स जो है ये प्रिंस चुने गए हैं वेल्स के, ठीक है। तो अब नए किंग प्रिंस चार्ल्स होंगे और पूरा डिटेल अगर आपको पता करनी है पूरी की पूरी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की, तो इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हो। तो ये तो था एंड इस वीडियो का, इस मंथली वीडियो का। आई होप आपको एंजॉय आपने किया होगा, पूरी वीडियो देखी होगी और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। क्विज जाकर के आप MGTF पर यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा MGTF पर। MGTF कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी ई बुक ले सकते हो, ई बुक आपको हर महीने की प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी PDF आपको भेज दी जाती है। तो फिलहाल ये तो थी वीडियो, कैसे लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइए चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।